अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं बथियाला स्टाइल मटन खिचड़ा, जो हम सूटी स्टाइल बनाने वाले हैं। ये बहुत ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगता है और ये बहुत आसानी से घर पे बन ही जाता है। जिसे हम पहले से कुछ प्रिपरेशन करके रखेंगे तब वो बहुत ही ईजीली घर पर बन जाता है। यहाँ पर हमने 1/2 कप चावल ले लिया है। ये है मसूर दाल, उड़द दाल, ये है चना दाल और साथ में हमने अरहर की दाल ली है। दाल हमने 2 टेबलस्पून ली है और चावल हमने 4 टेबलस्पून लिया है। अब सबको अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट के लिए हम भिगो के रख देंगे। उसको कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए भिगोना है, आप ज़्यादा देर भी रख सकते हो। साथ में हमने 2 कप गेहूं ले लिए हैं, ये हलीम के गेहूं है। उसको भी हम अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देंगे। हमारे गेहूं और दाल बहुत अच्छे से भीग गए हैं, अब हम उसको बॉईल करने के लिए रखते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ी सी देग ले ली है, उसमें हम भिगोए हुए चावल, दाल और गेहूँ ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ में हम कुछ मसाला ऐड करेंगे, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर 1 चम्मच भर के ऐड कर देंगे। साथ में जिंजर गार्लिक की पेस्ट, वो भी हमने 1 चम्मच ऐड की है। ये है हरी मिर्च, तीखी वाली हरी मिर्च है जो हमने 6 से 7 ऐड की है और फ्रेश पुदीने के पत्ते। अब हम इसमें गरम पानी ऐड करेंगे, जो हमने 2 लीटर पानी लिया है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हो। अब हम उसको कवर करके अच्छे से मिक्स करके गैस पे चढ़ा देंगे और उसको पहले 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे, फिर हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। हमारे गेहूं बहुत अच्छे से पक रहे हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं और उसको और देर तक पकाएंगे। जितनी ज़्यादा देर गेहूं हमारे पकेंगे बहुत अच्छे से गल जाएंगे और हमारा खिचड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होगा। अब हम उसको एक साइड पे रखते हैं पकने के लिए। साथ में हम कुछ मटन भी बनाकर रेडी कर दिए। यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर हम उसमें 1 तेज़पत्ता, 1 बादियान, तज, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और लविंग ऐड करेंगे। फिर इसमें हम 1 kg मटन ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने हड्डियों वाला मटन लिया है, जिससे हमारा खिचड़ा बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। खिचड़े में हड्डी वाला मटन बहुत अच्छा लगता है। मटन को हम 3 से 4 मिनट तक तेल में अच्छे से भून लेंगे। मटन का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, फिर हम उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, जो हमने 2 चम्मच ऐड की है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। धनिया जीरा पाउडर हमने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। अब इसमें हम 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। आप कोई भी गरम मसाला पाउडर ऐड कर सकते हो। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक उसको अच्छे से भून लेंगे। अभी हमने ऑनियन को फ्राई नहीं किया है, हम फ्राई ऑनियन लास्ट में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने एक छोटा सा ऑनियन जिसे चॉप्ड करके हमने ऐड कर दिया है और 2 चम्मच ग्रीन चिल्ली की पेस्ट ऐड की है। साथ में कुछ पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से
मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक हम उसको और पका लेंगे। मटन हमारा अच्छे से भून गया है, अब हम उसमें पानी ऐड कर देंगे और मटन को गला लेंगे। यहाँ पे हमने गरम पानी ऐड किया है जिससे हमारा मटन बहुत जल्दी से गल जाएगा। हमने 3 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। अब इसको कवर करके कुछ देर के लिए पका लेंगे। 10 से 12 मिनट तक हमारा मटन अच्छे से गल जाएगा। अब हम यहाँ पे हमारे गेहूं और दाल को चेक करेंगे। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से वो गल गए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमारे गेहूं गल गए हैं। अब हम उसको 10% इस तरह से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर से भी कर सकते हो। हमारा मटन भी अच्छे से कुक हो गया है। अब हम उसको चेक कर लेते हैं। मटन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अब ये सारा मटन हम गेहूं में ऐड कर देंगे। हमने सारा मटन ऐड कर दिया है। अब हम फ्राई किए हुए ऑनियन ऐड करेंगे। हमने 500 ग्राम ऑनियन को फ्राई करके रखा है। वो सारा ऑनियन हम ऐड कर देंगे, बस उनमें से थोड़ा सा हम बचा कर रखेंगे। फ्रेश पुदीने के पत्ते भी हमने ऐड किए हैं। ये है फ्रेश धनिया जिसे हमने चॉप्ड करके ऐड कर दिए हैं। अब हम 1 लेमन का जूस निकाल कर वो भी ऐड कर देंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। बस इसी तरह हम धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमारे खिचड़ा का कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। अब हम उस पर तड़का लगाने के लिए यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने ऑनियन को फ्राई किए थे। साथ में हमने 1 टेबल 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है और ये है कसूरी मेथी जो हमने ऐड कर दी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके उसमें 1 चम्मच भर के कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे जिससे हमारा रेड चिल्ली पाउडर जल ना जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये तड़का हम खिचड़ा पर लगा देंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा खिचड़ा सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। ये बिल्कुल भटियारा स्टाइल बना था। उसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया था, आप देख सकते हो। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम उसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इस तरह से एक कटोरी में जलता हुआ अंगारा रखेंगे और ऊपर से 1 चम्मच घी ऐड करके उसको कवर कर देंगे। कुछ देर के लिए हम उसको कवर करके रखेंगे, फिर हम उसको निकाल लेंगे। हमारे मज़ेदार सूती मटन खिचड़ा बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल भटियारा स्टाइल। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना
और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गर्मा गर्म खिचड़े पर हम फ्राई ऑनियन, पुदीना और लेमन ऐड करके अच्छे से खा सकते हैं।